हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मेरी बेटी का वेट लॉस जाने का थर्ड डे है और मैंने डाइट प्लान किया है। तो ये सही या गलत आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताना। जो मुझे गलत लगेगा मैं ये सही करूँगी। स्किप करना चाहती है राइस, पर मैं क्यों नहीं स्किप करना चाहती हूँ गाइस, क्योंकि अचानक से मैं राइस स्किप कर लूँगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पास कोई अच्छा सा डाइट प्लान है तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स करके, मैं आपके डाइट को करूँगी। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं आज मैं क्या क्या स्किन करूँगी और उसे क्या क्या दूंगी। तो देखिए गाइस, पानी मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। तो अभी हनी डालेंगे 2 टेबल स्पून और इसके साथ मैं कागजी नींबू दूँगी और पूरे कागजी नींबू मैं निचोड़ के दूँगी। तो कल दिया था हाफ, तो आज पूरी ही दे रही हूँ, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में। तो पानी भी ज़्यादा है कल से और ये हल्का सा गर्म पानी है। तो अभी शुना पिएगी और गाइस ये बहुत ही हेल्पफुल है वेट लॉस के लिए। और गाइस, बेटी कैमरे में आना नहीं चाहती है तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया। और अभी देखिए कुकिंग में मैंने क्या क्या लिया है, अभी मैं कुकिंग करूँगी। तो इसके लिए मैंने लिया है उड़द की दाल और साथ में है ककोड़ा और अरवी और साथ में भिंडी भी है और कटहल का बीज भी है। तो अभी क्या मैं कुकिंग करूँगी आगे देखिए गाइस। तो उड़द दाल को मैं आज दाल नहीं बनाऊँगी, उड़द दाल से मैं इसका बड़ी बनाऊँगी। तो पहले तो अरवी और कटहल बीज को मैं ऐसे ही बॉयल कर लूँगी और इसका पानी में अलग कर लूँगी। तो इसमें मैंने हल्दी और नमक डाला है, तो अभी मैं ग्राइंड कर लूँगी जो उड़द दाल है इसे। और ग्राइंड करने के लिए क्या चाहिए, एक ग्राइंडर चाहिए। तो अभी मैं ग्राइंड कर लूँगी और फिर क्या करूँगी आगे देखिए गाइस। और ये जो बड़ी है ना, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो ऐसे तो उड़द दाल का बड़ी जो है ना, वो आप धूप में सुखा कर फिर रख सकते हो और इंस्टेंट भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने इसमें कलौंजी डाला है और मैंने फाइन पेस्ट किया है उड़द दाल को। और अभी हल्दी और इसमें मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है और साथ में कलौंजी है। तो अभी अच्छे से फेटेंगे और फेटना बहुत ही ज़रूरी है गाइस, क्योंकि फेटने से ये जो बड़ी है ना वो अच्छे से फूलेगी और अंदर तक जो कड़ी है ना वो अंदर तक जाएगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ और बातें भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी में मैं कुकिंग करती हूँ ना, सुबह सुबह मेरा तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि शोना कॉलेज और उसके पापा ऑफिस जाती है और बाबू भी स्कूल जाता है। तो आज तो नहीं गए क्योंकि कल से उसका इंग्लिश 2 का एग्ज़ाम है। तो इसलिए तो देखिए ऐसे भी आप ज़्यादा ऑयल से कर सकते हो, पर मैं ये शुना को नहीं दूंगी, इसके पापा को दूंगी, क्योंकि आप लोग तो जानते होंगे इसके पापा ज़्यादा ऑयल खाते हैं। पर मैं शुना के लिए अलग करूँगी, थोड़ा सा कम तेल में बड़ी को फ्राई करूँगी। तो देखिए कम तेल में बड़ी फ्राई करने से बड़ी ज़्यादा फूलता नहीं है, क्योंकि कम तेल है ना, तो इसलिए। तो अभी बड़ी बनाकर फिर मैं जो कलौंजी छोंक दे के और इसके साथ सूखी मिर्च छोंक में मैंने दिया है। और अभी जो भिंडी है वो बना रही हूँ और भिंडी में भी मैं और जो उड़द दाल का पेस्ट है ना गाइस, ये मसाले के साथ मैं मिक्स करके भिंडी में दूंगी और अच्छे से इसे मैं भूनूंगी। तो ऐसे करने से भिंडी का टेस्ट और भी बढ़िया लगता है। तो देखिए कलर भी अच्छा है ना, तो भिंडी का सब्जी हो गया है। तो अभी छोंक लगाएंगे जो अरबी का सब्जी है इसका। तो देखिए इसमें मैंने जीरा, धनिया और कश्मीरी रेड चिली पाउडर दिया है, पर थोड़ा थोड़ा दिया है क्योंकि हल्का सा पतला सा झोल हमें करना है, क्योंकि शुना खाएगी तो इसलिए ज़्यादा ऑयल भी मैंने नहीं डाला है। और जो मैंने शुना के लिए बड़ी बनाया था वही मैंने इसमें ऐड किया है। और लास्ट में मैं गरम मसाला मैंने हल्का सा ऐड किया है। और अभी देखिए ककोड़ा, तो ककोड़ा में मैंने डाला है
कलुंजी और सूखी मिर्च, और इसके साथ मैंने हल्दी और ज़ीरा पाउडर, हल्का सा ज़ीरा पाउडर डाला है, और मैंने किशमिश और काजू ऐड किया है। इसे करने से इसका टेस्ट और भी बढ़िया लगता है। और सावन का महीना चल रहा है और एक महीने हमें वेज खानी है, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज कर कर के मैं पकाती हूँ। तो देखिए सुना खाएगी, मैंने सर्व कर दिया है और अभी इसके लिए बनाएंगे सूजी। तो आज कोई भी रोटी या कुछ भी नहीं बनाएंगे, सूजी बनाएंगे। तो थोड़ा सा यानी कि हाफ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें गावा घी दिया है, जो ड्राई फ्रूट से इसे फ्राई करने के लिए। और फिर इसमें ऐड करेंगे जो सूजी है वो ऐड करेंगे, और इसे अच्छे से भूनेंगे और फिर गर्म पानी से सूजी करेंगे। तो गाइस आप लोग कहोगे कि डाइट प्लान कर रहा है और यहाँ पर घी दे रहा है, पर ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने नहीं डाला है। और इसका जो उम्र है ना, सभी चीज़ें खाने का ही उम्र है, 16 प्लस है उसका, यानी कि 17। और आजकल के बच्चे बहुत ही कॉन्शियस है और आगे जाकर ये छोड़ देगी ये सब खाना, मैं जानती हूँ। और देखिए अभी मैं ड्राई फ्रूट्स खाऊंगी और इसके साथ फ्रूट्स। तो मैंने खाना खा लिया है, इसके एक घंटे के बाद मैं बाबू के साथ बैठी हूँ फ्रूट्स खाने के लिए, और इसके बाद आपसे बातें करूँगी। तो चलिए। तो गाइस आप लोगों ने देखा ही ना, बच्चों को फ्रूट्स खिलाना कितना मुश्किल है। मेरे बेटा बेटी दोनों ही फ्रूट्स खाना नहीं पसंद करते, पर सीजन का जो फ्रूट्स होता है ना वो खाना सेहत के लिए भी अच्छा है। तो गाइस आपके पास कोई अच्छा सा डाइट हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैंने पहले ही बताया था कि आप ज़रूर शेयर करना। तो क्योंकि मैं इतना भी डाइट के बारे में नहीं जानती थी, क्योंकि मैं कभी भी डाइटिंग मैंने नहीं किया है, तो इसलिए। और गाइस आपको कुछ बताना है कि आप लोग लाइक कम करते हो, यानी कि आपको अच्छा नहीं लगता है या अच्छी नहीं लगती है, और कमेंट्स भी एकदम से नहीं करते हो। तो आप लोग कमेंट्स करोगे तो मैं जान पाऊंगी कि मैं आपको क्या वीडियो, आपके लिए क्या वीडियो लाऊं, वही बात। और वैसे तो मैं बंगाली हूँ और हिंदी में ब्लॉगिंग करना क्यों पड़ा मुझे, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा ना कि जूही बंगाली है और हिंदी ब्लॉगिंग क्यों करती है। तो हिंदी ब्लॉगिंग का एकमात्र कारण है आप सारे लोग मेरे से जुड़े रहेगा, तो इसलिए। और इतना अच्छा भी हिंदी में नहीं जानती हूँ, थोड़ा बहुत कह लेती हूँ। तो आप लोग घर की बेटी या बहन या भाभी समझ के गलती माफ़ कर देना, और अच्छा है, अच्छी है, करती है, करता है, ये सब खुल मिल जाती है, तो ये सब ठीक हो जाएगा, मैं जानती हूँ आपके साथ और प्यार की मुझे बहुत ही ज़रूरत है। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, आपका लाइक शेयर मुझे मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।